हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग 6.3 एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा 5 से लेकर के अगले जो जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उन सभी का आपको लिंक जो रहेगा वीडियो का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। और कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड्स आपको बताया था कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, बार बार आपको माइनस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें। तो यहां पर जो अगला मेथड होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन इस मेथड को सीखने के लिए आपको पहले क्या जानना जरूरी पता है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना, यानी कि कौन नंबर है, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, अब उसको आप देख कर ही पता लगा सकते हो कि वो 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। यह सब चीजें मैंने आपको क्लास 6 वाले चैप्टर नंबर शायद 1 या 2 में पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक होगा क्लास 6 का तो अच्छी बात है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे वीडियो में जाना चैनल में, और उसमें क्लास 6 वाला जो सेक्शन है ना उसमें ओपन करना, क्लास जहां पर हम मैंने लिखा है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6, और उसके बाद फिर क्लास 6 वाले में आपको स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर 1 है चैप्टर 2 है उसी में आपको एक मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। बाकी अगर आपको नहीं मिलते रहेगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको ढूंढ करके आपको लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से अब सॉल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कितना है, 729। सबसे पहले आप क्या करो, इसके फैक्टर्स फाइंड करना शुरू करो, फैक्टर्स वो भी प्राइम फैक्टर। ठीक है, जो हमने एलसीएम और एचसीएम जैसे निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से। देखो, इसको आपको ऐसे करना है, इस तरीके से आप लाइन बना करके भी कर सकते हो, शॉर्ट में मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट करता हूँ। तो 729 है, तो अब ये देखो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, स्टार्टिंग 2 से ही करना है, प्राइम नंबर से आपको लेने हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 का रूल क्या है, सभी नंबर को ऐड करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 और 2 हो गया 9, और 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जो यहाँ पर 6 हो गया, 7 में से 6 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 12 बना देगा, 3 4 जो 12 हो गया, और फिर 3 3 जा ये 9 हो गया। फिर अब ये देखो लास्ट में फिर 3 आ गया, देखते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं डिवाइड, तो 2 और 4 हो गया 6, और 3 9, यानी फिर से 3 से डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3 हो गया। फिर ये देखो 3 से हो जा रहा है क्योंकि 8 और 1 9 होता है ना, तो 3 से फिर हो जा रहा है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर इसको 21 बना देगा, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से हो रहा है, 3 9 जा 27, कंटिन्यू करो 3 से, 3 3 जा 9, और फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स निकल गए वो कितने निकल गए, देखो 729 के हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, कितने टाइम है हमारा, 6 टाइम है, तो 6 टाइम आप यहाँ पर 3 लिख लो। अब ये हमारा पेयर देखो कितने कितने का बन रहा है, तो एक तो पेयर यहाँ पर बना, एक पेयर यहाँ बन रहा है, और एक पेयर यहाँ बन रहा है, दो दो नंबर से हमको पेयर बनाना है। तो जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे ना इस तरीके से, अंडर रूट 729, अंडर रूट का मतलब ये होता है कि हम इसका रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो पेयर है उसका एक बना दोगे, जैसे ये दोनों 3 मिलकर के 1 3 बन गया, ये दोनों 3 मिलकर के 1 3 बन गया, और ये दोनों 3 मिलकर के 1 3 बन गया। तो अंडर रूट 729 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3 3 जा 9, और 9 3 जो होता है हमारा 27। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ना वो 27 का स्क्वायर है। जब हम लोग 27 मल्टीप्लाई 27 करेंगे ना, तब हमारा 729 आ जाएगा। तो 27 का स्क्वायर 729, और 729 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 27। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और इस नंबर को स्क्वायर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उसे सॉल्व करते हैं। तो अगले नंबर में कितना दिया हुआ है, 400। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो देखो ये 400 है, स्टार्ट करो, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 00 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 00 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 1 0 उतर जाएगा। उसके बाद फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से होगा ही डिवाइड, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। अब देखो ये 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से चेक करते हैं, तो 5 और 4 9, 3 से हो जा रहा है, यानी कि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद यहाँ पर से 1 बचा, वो आगे जाकर के इसको 3 5 जा 15 बना देगा, कंटिन्यू 3 से हो रहा है, तो फिर से 3 5 जा 15 हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हमारा 5 से हो रहा है, तो 5 1 जा यहाँ पर 5 निकल गया।
लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो 5 आ रहा है वो सिंगल आ जा रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पर मिस्टेक किया है, क्योंकि जो अगर अंडर रूट है, देखो 400 जो है ना कंप्लीट अंडर रूट है अगर इसका, तो फिर ये पूरा का पूरा हमारे पास डबल ही आएगा। तो देखो गलती कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमारा गलती हो गया। 2 का टेबल हमने जब पढ़ा तो 2 2 जब 4, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया जबकि हमको यहाँ पर 4 लेना था। देखो कुछ इस तरीके से 50 तक आ गया, तो 2 का टेबल 25 टाइम अगर हम लोग पढ़ेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अब हम लोग 25 आ गया, तो ये तो 3 से डिवाइड होने वाला है नहीं, 3 के टेबल में आता नहीं, तो अब ये 5 से होगा। तो 5 5 जो 25 हो गया और 5 1 जो 5 हो गया, ये छोटा सा मिस्टेक की वजह से हमारा लास्ट में सिंगल 5 बच जा रहा था। ठीक है, तो अब देखो हमारा कितना जा रहा है, 400 का अंडर रूट देखते हैं, 2 4 टाइम है, तो 2 को पहले 4 टाइम लिख लो आप, उसके बाद फिर 5 जो है वो 2 टाइम है, तो मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ 2 का पेयर बना, ये भी 2 का पेयर बना और ये 5 का पेयर बन गया, तो अंडर रूट 400 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना होता है 20। इसका मतलब कि जो 400 है उसका अंडर रूट जो होगा वो कितना होगा, 20 होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमको कितना दिया हुआ है, 1764। आइए जल्दी से इसको फाइंड कर लिए इसके फैक्टर्स को। तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा ही, तो 2 से ही स्टार्ट करना है हमको। 2 8 जा हमारा 16 हो जाएगा, 17 में से 16 कट हुआ बचा 1, वाग जा करके फिर इसको 16 बना देगा, तो 2 8 जा फिर से 16 और 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से हो रहा है तो फिर 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। अब ये कितने से हो रहा है, तो 4 4 1 आ गया, तो 4 4 8 होता है और 1 9, यानी कि अब ये 3 से होगा, तो 3 से कर देते हैं। 3 1 जा 3 1 इधर गया, तो ये 14 बन गया, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 14 में से 12 कट हुआ बचा हमारे पास कितना 2, वो आगे जाकर किसको 21 बना देगा, तो 3 7 जो हो जाएगा हमारा 21। फिर देखो किसे डिवाइड हो रहा है, 7 और 4 हो गए 11 और 1 12, यानी कि फिर 3 से हो रहा है, तो फिर 3 से कर दो, 3 4 जो 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 इधर चल गया, 14 में से 12 कट होकर के इसको 27 बना देगा, तो 3 9 जो हो जाएगा हमारा 27। अब 49 आ गया, हम जानते हैं 49 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, केवल 7 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ हमारा 1764 का क्या निकल गया, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अगर हम इसको अंडर रूट में ऐड करते हैं इस तरीके से, तो हमारा ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 लिख दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 7 जो होता हमारा 42। इसका मतलब 42 जो होगा इसका अंडर रूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट इसको बोला जाता है, ये जो हमने डायग्राम बनाया ना इस तरीके से, इसको अंडर रूट कहते हैं अपन। अगला जो नंबर है वो हमारे पास है 4096। आइए जल्दी से इसको भी डिवाइड करना शुरू करते हैं। लास्ट में 6 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, ये 0 का 0 उतर गया, 2 4 जा 8 हो गया, 9 में से 8 कट का बचा 1, वो आगे जाकर इसको 16 बना देगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 ये 0 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, उसके बाद 2 4 जा ये 8 हो गया। कंटिन्यू करो, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 2 1 जा 2 और उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से हो रहा है तो फिर 2 से करेंगे हम लोग, 2 4 हो जा यहाँ पर, सॉरी 2 2 जा यहाँ पर 4 हो गया, 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर ये आगे जाकर के यहाँ पर 11 बनना था ना ये, तो 10 कट हुआ बचा हमारे पास कितना 1 बचा, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा फिर से 12 हो जाएगा। कंटिन्यू करो, 2 से फिर कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और उसके बाद 1 इधर गया, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से हो रहा है, लगता है बहुत लंबा ये जाने वाला है, क्योंकि 2 से अब ये ज़्यादा हो रहा है ना, 8 आ गया तो फिर 6 वगैरह आएगा, तो ये कंटिन्यू चलेगा। देखो 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। कंटिन्यू करो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 का टेबल 16 टाइम पे हमारा 32 आता है, फिर 2 8 जा 16 आता है, फिर 2 का टेबल में 4 टाइम पे 8 आता है, 2 2 जा 4 होता है और फिर लास्ट में 2 1 जा 2 होता है। तो देखो आपने कितना लंबा हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग डायरेक्ट इसको देख लेते हैं कितना 2 है ना, 1 2 पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, 4 पेयर, 5th पेयर और ये 6 नंबर का पेयर बनेगा, टोटल 6 पेयर बन रहे हैं। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे, अंडर रूट में 4096 इक्वल टू, 2 को आप 6 टाइम लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा जगह भी नहीं है तो आप 6 टाइम लिखने की जरूरत भी नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है ना, तो ज़्यादा मत लिखा करो, डायरेक्ट इसको अंडर रूट में कर दो, उससे आपका स्पेस भी बचेगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 32 जा हमारा कितना होता है 60, तो 32 का 2 बार पढ़ोगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया 64 इसका अंडर रूट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। आइए 5th नंबर सॉल्व किया जाए।
तो देखो फिफ्थ नंबर में हमें दिया हुआ है 7744, ये डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 हुआ, 7 में से 6 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर इसको 17 बना देगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 17 में से 16 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर इसको 14 बना दिया, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है तो फिर 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 1 इधर गया तो 2 9 जा 18, यहाँ पर 2 3 जा 6, 1 इधर गया तो 2 6 हमारा यहाँ पर से 12 हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए 2 से क्योंकि लास्ट में 6 आ गया है तो फिर 2 से कट हो जाएगा, ये हमारा 2 का टेबल में 9 टाइम पे आ गया 18, ठीक है, बचा यहाँ पर से 1, वो आगे जाकर इसको 13 बना देगा तो 2 6 जा 12, 1 बचा फिर से वो आगे जाकर के 16 बना दिया तो 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से हो रहा है 2 4 जा 8 हो गया, 1 इधर गया 2 8 जा 16 और फिर 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 बोल रहा हूँ, हाँ 2 4 जा ये 8 हो गया ये वाला कंप्लीट, फिर 2 से हो रहा है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और फिर 2 2 जा 4, कंटिन्यू कीजिए 2 से, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब देखो लास्ट में 1 आ गया है तो ये तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लो तो 1 और 2 3 और 1 ये हो गया 4, ये यानी कि 3 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता है ना, इसका मतलब ये भी नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो एक्चुअल में किस में आता है, तो मैंने आपको बोला है ना कि 20 तक आप क्या करो, कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट्स याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके आगे चल करके, मैं तो बोलता हूँ 30 तक याद कर लो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमारा 121 आ गया ना, अब आप इसको अगर डिविजिबिलिटी रूल से चेक करोगे तो ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ये जाकर किससे होगा हमारा 11 से होगा क्योंकि 121 केवल 11 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 11 11 जा 121 क्योंकि हम जानते हैं 121 जो है ना वो 11 का स्क्वायर है क्योंकि मुझे 20 तक यहाँ पर याद है स्क्वायर, इसीलिए आप भी याद करो 20 तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा लास्ट में 11 1 जा 11, इससे क्या हो गया हमारा टाइम बचा, हमने चेक नहीं किया ना बहुत सारा, नहीं तो मान लो अगर आपको याद नहीं रहता कि 121 किसका स्क्वायर रूट है तो फिर आप क्या करते हैं पूरा का पूरा टेबल पढ़ते है ना कि यहाँ पर ये हमारा 4 में आ रहा है कि नहीं, 5 में आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो आपका डायरेक्ट टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किसका पेयर बन रहा है, तो अंडर रूट में 7744 जो होगा, यहाँ एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना 2 का, एक पेयर ये बना और एक फिर 11 का पेयर बना है, यानी कि 1 2 फिर ये 2 और ये 3 2, टोटल 3 पेयर बन रहे तो 3 टाइम 2 लिखो और 1 टाइम फिर 11 लिख दो, ठीक है, और इसको फिर अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा हमारा कितना होता है 4 2 जा 8 और 11 8 जा हमारा होता है 88, यानी कि ये जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो होगा 88 होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। अगला जो नंबर है हमारे पास वो है 9604, तो लास्ट में 4 है तो 2 से तो हो ही जाएगा डिवाइड, तो स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 4 जा 8 हो गया बचा 1, फिर ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये 0 का 0 उतार दो, 2 2 जा 4 कर दो, फिर 2 से हो रहा है तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0 और फिर ये 1 उतर गया। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, 3 से कर लेते हैं, 4 और 2 6 हो गया और 1 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट में हमारे पास 1 है और 5 का रूल यही है कि लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0 आता है, ठीक है, और 2 और 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो 6 तो होगा ही नहीं और हमको 6 तो लेना भी नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला नंबर आता है 7, ये हमारा जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से 7 के टेबल में 7 3 जा 21 आता है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर से 24 में से 21 कट हुआ बचा हमारे पास 3, आगे जाकर इसको 30 बना देगा तो 7 4 जा हो जाएगा फिर से 28, 30 में से 28 कट हुआ बचा हमारे पास कितना 2, आगे जाकर इसको फिर से 21 बनाएगा तो 7 3 जा फिर से हमारा 21 हो जाएगा, क्लियर है। फिर अब यहाँ पर हमारा 472 आ गया, 73 आ गया, ये भी 7 के टेबल में आता है हमारा, देखो कितने टाइम पे 7 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 7 4 जा हमारा हो जाएगा 28, बचा यहाँ पर से कितना 6 बच गया, 34 में से 28 कट हुआ तो वो 6 आगे जाकर इसको 63 बना देगा तो 7 9 जो हो जाएगा हमारा 63, फिर 79 आ गया, सॉरी 70 बोल रहा हूँ 49, तो ये 7 से फिर कट हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पर हमारा अगर हम लोग अंडर रूट निकाल लिए 9604 का, एक सेकेंड लाइट थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, फ्लैश लाइट कम किया हमने। अब देखो यहाँ पर हमारा ये कितना बन गया, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है और एक और 7 का पेयर बन रहा है, तो एक और 7 लिख दो। अब इन सभी का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 7 जा 49 होता है, 49 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे कितना आएगा 98 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका अंडर रूट जो होगा 98 होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, आइए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, देखते हैं किसे डिवाइड होगा ये, तो लास्ट में 9 है तो 2 से तो होगा नहीं, अब चेक करते हैं कि ये हमारा 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सभी नंबर को ऐड कर लो, 9 और 9 हमारा कितना होता है 18, 18 प्लस 2 कर दो हो गया 20, 20 में 5 प्लस गया तो 25, तो 25 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, अगला कौन सा आता है 7 आता है, तो हो सकता है ये 7 से डिवाइड हो जाए हमारा, आइए चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में हमारा 7 का 7 8 जा 56 होता है,
59 में से 56 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर इसको 32 बना देगा, तो 74 जो हो जाएगा हमारा 28, 32 में से 28 कट हुआ, बचा 4, वो आगे जाकर इसको 49 बना देगा, तो फिर से हमारा 77 जा 49 हो गया, यानी कि ये 7 से कट पूरा पूरा हो गया। आगे चलते हैं, फिर से ये 7 से कट होगा क्योंकि लास्ट में 7 है, ठीक है, तो 7 से कट हो रहा है ना, हाँ होगा ही, क्योंकि एक पेयर बना है तो दूसरा पेयर तो जरूर बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 7, ठीक है, बचा 1, वो आगे जाकर इसको 14 बना दिया, तो 7 2 14, और फिर ये 7 1 7 हो गया। अब देखो 121 आ गया है, जो कि केवल 11 के टेबल में ही आता है, तो 11 के टेबल में 11 11 जा 121 हो गया, और फिर 11 1 जा 11 हो गया। तो यहाँ पर से हमारा अंडर रूट जो होगा बहुत सिंपल तरीके से निकल गया 5929 का, ये हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 7 का एक पेयर 11 का एक पेयर, तो ये हो जाएगा हमारा 77, ठीक है, कंप्लीट ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसमें कितना दिया हुआ है भाई नंबर, तो ये हमारे पास है 9216, ठीक है 9216। चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8 हो गया, 1 इधर गया, तो 2 6 12। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिजिट ले रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो अगर कैरी होकर के दो डिजिट लिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखो कैरी हुआ था 8 में से 7 कट हुआ, बचा 1, आगे जाकर के इसको 14 बनाया था, तो कैरी में हमको 0 वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन अगर हम लोग एक साथ दो डिजिट ले रहे हैं शुरू को छोड़ करके, अगर स्टार्टिंग में आप दो डिजिट ले लो, तीन डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के बाद जब दो डिजिट लोगे ना, तो जैसे डिवाइड में आपको 0 लगाना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में डिवाइड ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 लगाओ, और फिर 28 जो हमारा 16 होगा, क्लियर है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख देते तो ये गलत हो जाता, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, ये 0 का 0 उतर गया, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 1 इधर गया 3 में से 2 कट होकर के, बचा ये 10 बन गया, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, कंटिन्यू 2 से कीजिए, 2 5 जा 10 हो गया, 1 इधर गया तो 2 7 जा 14, फिर 1 इधर गया तो 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, उसके बाद फिर यहाँ पर से हमारा 2 4 जेट, फिर देखो वही गलती कर दिया मैंने, 2 2 जा 4 हुआ, ज़्यादा जब क्वेश्चन बनाना पड़ता है बहुत मैक्सिमम, तब दिमाग अपने आप इसी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये बचेगा 1, वो आगे जाकर इसको 17 बना देगा, तो 2 8 जा 16 हुआ, फिर से 1 आगे गया, और फिर से हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कंटिन्यू करो 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कंटिन्यू 2 से, 2 3 जा 6, और उसके बाद फिर ये हमारा 1 इधर चल जाएगा, तो 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से हो रहा है, 2 18 जा 36, कंटिन्यू 2 से करो, 2 9 जा हमारा हो जाएगा 18, अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, सब दिख रहा है आपको अच्छे से ना, यहाँ पर मैं इसका अंडर रूट लिख रहा हूँ ना, जिनसे आपको नहीं तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 9216 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ, ये बना एक पेयर, एक ये बना, ये 3 का बना, तो 2 का 1 2 3 4 5 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप 5 टाइम पहले तो 2 लिख लो, ठीक है 4 टाइम, और ये हो गया हमारा 5 टाइम, और एक टाइम 3 है तो वो 3 मल्टीप्लाई में एक 3 लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद सभी का मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है 8 2 जा हो गया हमारे पास 16, 16 2 जा हो गया हमारे पास 32, और 32 का 3 से जल्दी से साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा हो गया हमारा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 96 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसका जो अंडर रूट निकला, स्क्वायर रूट जो निकला, वो 96 निकल गया। चलिए जो दो क्वेश्चन बच गए ना, जल्दी से उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, उसमें दिया हुआ है 529। अभी अब आप इसको चेक अगर करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये किसी भी नंबर से आपको डिवाइड होता दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 है तो 2 से होगा नहीं, फिर 9 और 5 14 और 2 हो गया 16, 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी आप चेक करोगे तो नहीं होगा, ये लास्ट में जब थक जाओगे चेक करते करते तब आपको मिलेगा कि ये 23 से डिवाइड होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि 30 तक आप क्या करो, स्क्वायर रूट्स पूरे के पूरे याद कर लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये जो होता है ना 23 का स्क्वायर रूट है 529, जब हम लोग 23 का मल्टीप्लाई 23 से करते हैं तब हमारा 529 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 23 1 जा 23। तो यहाँ से हमारा 529 का जो अंडर रूट निकल गया वो कितना निकल गया, 23 निकल गया, क्योंकि 23 का दो पेयर बन रहा है, तो बस यहाँ पर एक बार 23 लिख दो, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, दिख छोटा सा रहा है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा ना 23 का ये स्क्वायर रूट है, तो एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर दोगे फाइंड करने में ही कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लो अपने दिमाग में। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8100, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से होगा ही, 2 4 जा 8 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से क्या कर रहे हैं, दो डिजिट ले रहे हैं एक साथ, तो 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, और फिर ये 0 का 0 उतर जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना एकदम अच्छे से, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 नहीं लगाता और 2 5 जा 10 कर देता ना, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, ये 0 का 0 उतर गया, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, 1 बचा, 5 में से 4 कट होकर के, फिर वो आगे जाकर के 10 बना देगा, तो 2 5 जा हमारा 10 हो जाएगा। अब लास्ट में 5 आ गया है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, वैसे 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से भी होता है जब लास्ट में 5 होता है, तो 5 और 2 हो गया 7 और 2 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से ही करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 6 18, ठीक है,
बचा 20 में से 18 कट होकर के 2, वो आगे जाकर इसको 22 बना देगा, तो 3 के टेबल में हमारा 7 टाइम पे 21 आता है, फिर 1 बच गया 22 में से, वो आगे जाकर के इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। कंटिन्यू करो, अब देखो ये 3 से हो रहा है कितने से हो रहा है, तो 6 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 13 और 5 18, यानी कि फिर से 3 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा फिर से 6, 1 बचा वो आगे जाकर के 15 बना दिया, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 5 और 2 7 और 3 और 2 9, यानी कि फिर ये 3 से हो रहा है। ओहो, ये लाइट तो अब बार बार आ जा जो रहा है ना मौसम की वजह से, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है वीडियो बनाने, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, क्लियर आ रहा है वीडियो, तो फिर से 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 3 5 जा हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब ये 5 7 और 5 12 होता है, यानी फिर से 3 से हो रहा है, तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 3 5 जा 15, अब तो 25 आ गया जो कि 3 से होगा नहीं, अब ये 5 से ही होगा, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 हो गया हमारे पास। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल रहा है देखते हैं कितना होता है, 8100 इक्वल टू 2 का एक पेयर बना है तो एक 2 लिखो, 3 के कितने पेयर बने हैं तो 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है, तो 2 टाइम आप 3 लिख दो, और एक 5 का पेयर है तो एक 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना बन गया, ये 2 3 जा 6, 6 3 जा हमारा कितना होता है 18, ठीक है, 18 का 5 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 90 का स्क्वायर है, और ये 90 जो है इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 20 मिनट जरूर लगे हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन पूरा बता दिया, ठीक है, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना सीख जाओगे। अभी आपके स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि आपको रूल पता नहीं रहेगा ना, तब टाइम लगता है, जब आप प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में रूल फिट हो जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए 4th नंबर सीखना जरूरी है, तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।